तो पहले कई बार कह चुका हूं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपने बयान वहां दर्ज कराए और सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के खिलाफ हो, न्यायपालिका और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे। हाथापाई से मंत्री जी आरोप लगाया कि हाथापाई किया पुलिस ने। देखो, मेरे संज्ञान में ये आया कि रात को वहाँ मिसकंडक्ट हुआ, पुलिस ने उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की। सीएम साहब ने बयान दिया है कि हमारा सरकार गठबंधन है, वो सरकार के साथ है, पार्टी के साथ, सरकार बीजेपी। चलो, आज तो सरकार का गठबंधन ही है, इससे तो आप मना नहीं कर सकते। क्या आप खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं? देखो, पहले दिन हमने ये बात कही थी कि खिलाड़ियों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई। खिलाड़ियों की उस समय यह मांग थी कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स ने कमेटी बनाई। 14 खिलाड़ियों के उसमें बयान हुए, जितना मेरे संज्ञान में, अब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। उसके बाद उन्हीं खिलाड़ियों ने दोबारा धरना शुरू किया और कहा एफआईआर करी जाए। दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट में और अन्य धाराओं में एफआईआर करी, उसकी इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है। इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा आएगा उसके ऊपर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, हमारी है। चलो, आपको कहा होगा कान में। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।